टेकर ने द रॉक को उठा लिया। आपके जैसे मैंने भी सोच लिया था भाई, अब रोमन रेंस को कोई डिथ्रोन नहीं कर सकता, लेकिन तब तक जब तक रॉक ने एंट्री नहीं मारी थी, अब तो ये लग रहा है रॉक वर्सेस रोमन रेंस हो के रहेगा रसलमेनिया में। इतनी खुशी मुझे। रॉक ने भी भाई हिंट दे दिए, तो इसलिए अब रॉयल रंबल जीतना होगा रॉक को। उससे पहले हमने रोमन रेंस और रॉक दोनों को उतार दिया रॉयल रंबल में, तो क्या नाचो मैं? वो भी 50 ओवरऑल बना के। अब इसके बाद ये जितने भी सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करते हैं पर एलिमिनेशन इनको 15 ओवरऑल बढ़ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, यानी हर एलिमिनेशन करने के बाद ये 15 प्लस हो जाएगा। तो अब देखते हैं ये लोग कितने ओवरऑल करने के बाद ये भिड़ते हैं आपस में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में, जहां पे रोमन की चैंपियनशिप दांव पे लगी होगी और रॉक की नजर तिरछी नजर है अपने रोमन की चैंपियनशिप पे। तो इसलिए चलो स्टार्ट करते हैं पहले रॉयल रंबल मैच। आते साथ ही बिग शो गए भाई ग्रैवी ट्रेन। एले नाइट तो फुल फॉर्म में है, एले नाइट फुल फॉर्म में, और अगर आपको पता नहीं है तो बता दूं थर्ड नंबर पे हमारे रोमन आएंगे और फोर्थ पे रॉक। उसके बाद नहीं पता ये 10 मैन रॉयल रंबल में कौन कौन एंट्री मारेगा, हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ये क्या हो रहा है? ए भाई साहब क्या खतरनाक जंप मारी है, बिग शो का कमर टूट दिया है। नहीं नहीं ये रिप्स गया है, कमर तो अच्छी खासी है यार। बिग शो मुझे बहुत अच्छा लगता था, जब से बिग शो गया WWE से तब से भाई मतलब जायंट्स की तो खत्म हो गई, पूरी इज्जत ही खत्म हो गई है WWE में। ओमास तो खाली नाम भर के जायंट्स हैं। ये रोमन रेंस आया हमारा, और रोमन रेंस आते साथ ही एले नाइट, ओ भाई इसको सच में गेम में भी पता है कि हमारा अपोनेंट रियल में कौन होने वाला है रॉयल रंबल में, उसी अपोनेंट पे आगे भिड़ गया। और अब शायद बिग शो का टकला फूटने वाला, ये गए बिग शो नीचे लेट गए। रोमन रेंस के ऊपर BFT तो नहीं लग सके क्योंकि है ही नहीं। अब हमारे रॉक एंट्री मारेंगे फोर्थ नंबर पे, क्या रॉक एलिमिनेट कर पाएंगे रोमन को? अगर रोमन को एलिमिनेट कर देते ना तो रोमन 50 पे ही रह जाएंगे और रॉक हमारा पहुंच जाएगा 65 पे, क्योंकि 15 एलिमिनेशन पॉइंट मिल जाएंगे उसको। फिलहाल अभी रोमन एले नाइट से भिड़ने की तैयारी में कर रहे थे, लेकिन रॉक ने एंट्री मारी, गए रोमन गए, और बचा लिया भाई बिग शो ने, बहुत टाइमली आके बचाया वरना रोमन की तो छुट्टी हो गई थी। एर एन वक्त पे भाई बिग शो बहुत अच्छा नॉक आउट पंच दे दिया, बिग शो ने सुला दिया रोमन को, रोमन जा रहे सोने कॉर्नर में जा रहे। एंड वंस अगेन DDT, रॉक भी उधर कोने में चले गए। ये क्या हो रहा है भाई, दोनों 50 ओवरऑल है, इतने कमजोर हो गए भाई कि सो रहे हो दोनों पड़ के। अबे उठो सालो, मैच लड़ो, नेक्स्ट एंट्री आने वाली है, किसकी होगी भाई नेक्स्ट एंट्री? हमारी बटिस्टा, ओ भाई खतरनाक द एनिमल आ रहा भाई, एनिमल। और BFT लगा दी रॉक के ऊपर, BFT बटिस्टा आया, बटिस्टा किसके ऊपर? रोमन के ऊपर सभी भिड़ रहे भाई, रोमन से क्या खुन्ना से बटिस्टा की, अरे भाई नहीं प्लीज नहीं, बटिस्टा बॉम्ब, रोमन एलिमिनेट कर देंगे क्या? रोमन एलिमिनेट नहीं होना चाहिए प्लीज यार, इतनी जल्दी नहीं, मैं नहीं चाहता अभी रोमन एलिमिनेट हो, क्योंकि अगर अभी हुआ ना तो 50 ओवरऑल के साथ क्या ही जीत पाएगा रोमन। रोमन रेंस उठो, वे ये क्या करना चाह रहा है, नेक्स्ट एंट्री भी होने वाली इसी वक्त। रॉक उठ गया है, रॉक को ये भाई खतरनाक जंपिंग टंपिंग भाई, रॉक और रोमन दोनों ही इतने कमजोर हो चुके हैं ना कि लड़ी नहीं पा रहे। वीर महान, हमारे इंडिया के शेर वीर महान एंट्री मार चुके हैं, और ये किसके ऊपर जाएंगे? ये रॉक के ऊपर जाना चाह रहे थे, ओके नाउ दिस इज गुड। अभी ये क्या हो रहा है, बटिस्टा साइड में सो गए हैं और अभी वीर महान रॉक के ऊपर जुट गए हैं। रोमन रेस उड़ के खड़े हो रहे हैं, नशा इनका उतरा है मार खाने का, जो अभी बटिस्टा बम से नशा चढ़ा था वो, ये गए बाहर, गए खत्म, बच गया भाई हमारा रोमन रेंस, एन वक्त पे बचा है। अभी के लिए ये समझ लो कि ये गए बटिस्टा, बटिस्टा के ऊपर भी अटैक हो रहा है, रोमन के ऊपर भी अटैक हो रहा है, भाई कौन मार रहा है किसको समझ नहीं आ रहा है। एक तो एलिमिनेशन, नंबर 7 एंट्री AJ स्टाइल्स, ये भी हमारे आ चुके हैं भाई खतरनाक। अभी बचा कौन है, सिर्फ रैंडी ऑर्टन, अच्छा रैंडी ऑर्टन बचे हैं, एले नाइट, AJ स्टाइल्स और रोमन तीनों तो हो गए, बस एक और फैटल फोर वे का अपोनेंट चाहिए। अभी तक भाई कोई किसी को एलिमिनेट नहीं कर पाया, क्यों आई 15 पॉइंट नहीं चाहिए क्या तुम लोग? अच्छा उधर एले नाइट एलिमिनेट हो गए, किसने किया उसको कुछ तो बताओ। नंबर 9 एंट्री, नहीं सॉरी नंबर 8 है, नंबर 8 एंट्री है, अभी फिर से रोमन नीचे डाउन है, और नंबर 8 जॉन सीना, वो भी 14 वाले, बहुत सही। ये गए बटिस्टा, पहला एलिमिनेशन द रॉक, बटिस्टा को एलिमिनेट कर दिया भाई, तो 15 पॉइंट मिल गए हमारे द रॉक को, तो द रॉक हमारे 15 प्लस हो गए, 50 से सीधे 65 चले गए। और अभी AJ स्टाइल्स रोमन रेंस के ऊपर भिड़े पड़े, 9 नंबर पे एज आ चुका है हमारा, एज रेटेड आर सुपरस्टार, अभी तो ये AEW में जलवा दिखा रहे हैं, लेकिन शायद इनको जाना नहीं चाहिए था यार, पता नहीं क्यों WWE आजकल स्टोरी लाइन सही से सेट नहीं कर पा रही है। फिलहाल वीर महान एज को कुछ करना चाह रहे थे, ये हो क्या रहा है अचानक से, ये कुछ भी हो रहा है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई किसको मार रहा है ये? अच्छा रोमन रेंस एज के पीछे पड़े, बिग शो रॉक के पीछे पड़े, और वीर महान स्टंड है, AJ स्टाइल्स को जॉन सीना कूट रहे हैं, अंडरटेकर इसी वक्त एंट्री ले चुके हैं, और यहाँ पे द रॉक ने वीर महान को रॉक बॉटम, और इसके बाद शायद
ये एलिमिनेशन हो सकता है सेकंड एलिमिनेशन। वीर महान भेज दिए गए रोप से नीचे, एलिमिनेटेड। तो भाई 30 पॉइंट्स हो गए, एक और 15 पॉइंटर मिल गया। अरे नहीं, अंडरटेकर ने द रॉक को उठा लिया और ये गए बाहर। तो भाई साहब ओनली 80 ओवरऑल तक रॉक गए हमारे, 50 से 30 पॉइंट प्लस 80 ओवरऑल। अब हमारे रोमन बचे हैं। रोमन भाई तुमको तो एक एलिमिनेशन करो एटलीस्ट। रॉक हमारा 80 पे, रोमन ने जॉन सीना को एलिमिनेट कर दिया, तो रोमन भी हमारे 65 पे पहुंच गए। इसी बीच स्टाइल्स क्लैश, एक और स्टाइल्स क्लैश लग गया। अरे भाई बिग शो चोक स्लैम अंडरटेकर को, अरे मुझे लगा ये बाहर फेंकने जा रहा है, नहीं बाहर नहीं फेंका, बच गया। रोमन गए, रोमन एलिमिनेट, नहीं एक और स्टाइल्स क्लैश। भाई ये क्या हो रहा है, ये मत दिखाओ यार, अभी तक एक ही एलिमिनेशन किया है, 65 ही तो हुआ है हमारा। रोमन 80 तो पहुंच जाने दो एटलीस्ट उसको। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग क्या चाह रहे हैं आपस में, ये कुछ भी हो रहा है भाई। रुक जाओ, बिग शो एजे स्टाइल्स को पीट रहा है। बिग शो अभी एजे स्टाइल्स को पीट के खुन्नस भरी नगाहों से देखते हुए गए, अंडरटेकर जा रहे हैं। अंडरटेकर सर गए, अंडरटेकर, रोमन ने ही अंडरटेकर को रिटायर किया था और अब अंडरटेकर को एलिमिनेट भी रोमन ने ही किया, सेकंड एलिमिनेशन। तो 80 ओवरऑल तो हमारे रॉक हैं और रोमन भी 80 ओवरऑल हो चुके हैं। अब थर्ड एलिमिनेशन क्या, बिग शो हो गया भाई। तो हमारे रोमन पहुंच गए 95। अब एजे स्टाइल्स वर्सेस रोमन रेंस फाइनल कंपटीशन रॉयल रंबल का, क्या ये मैच जीत सकते हैं भाई रोमन रेंस? अगर ये जीत जाते तो बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए, लेकिन अभी वैसे भी 95 ओवरऑल तो हो चुके, गए रोमन बाहर चले गए और अब एजे स्टाइल्स ने पकड़ लिया गला और ये एलिमिनेटेड। तो भाई हमारे विनर तो नहीं हो पाए रोमन रेंस, बट फिर भी तीन एलिमिनेशन के साथ 95 ओवरऑल पे हमारे रोमन रेंस और 80 ओवरऑल हमारा रॉक। तो ये रॉक और रोमन रेंस 80 एंड 95 लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। आप लोग भी रेडी, रेसलमेनिया रेडी, लेट्स जंप इनटू द मैच। तो अभी रॉक हमारा रेडी है और रोमन भी रेडी है, देखते हैं लास्ट मैन स्टैंडिंग कौन जीता है। और साथ ही रॉक बॉटम, रोमन रेंस को रॉक बॉटम। रेफरी काउंट शुरू करो 1 2। अभी नहीं, इससे भी पेट नहीं भरा रॉक का, इससे भी पेट नहीं भरा रॉक ने, एक और रॉक बॉटम हो गया। अब तो गए रोमन, गए, काउंट शुरू करो, जल्दी जल्दी काउंट करो 2। अभी जल्दी जल्दी काउंट करो ना 3 एंड इट्स 4 के बाद अब आ चुके हैं हम लोग 8 काउंट 9 काउंट पे उठ गए रोमन। वैसे भी 95 ओवरऑल है हमारा, रॉक 80 है। रॉक और रोमन आउट ऑफ द रिंग होना नहीं चाहते थे, मगर फिर भी होना पड़ा, उनको मजबूरी है। रॉक को फिर भेजा रोमन ने अंदर और अब शायद रोमन की पावर अनलीश होगी, हमें रोमन की पावर देखने को मिलेगी, क्योंकि वो 95 ओवरऑल है यार, रॉक हमारा सिर्फ 80 ओवरऑल है, क्या ही जीत पाएगा ये। और ये लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच, अंदर से सीढ़ी लाई गई है, सॉरी बाहर से सीढ़ी अंदर आई, ये क्या हो रहा है? एक मिनट, ये फिर से कॉर्नर, नहीं मुझे लगा कॉर्नर में जा रहे हैं तो सुपरमैन पंच स्पीयर मिलेगा, लेकिन नहीं, ये तो कुछ और, ये क्या हो रहा है यार, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोमन को फिर मुक्का पड़ गया, रोमन फिर लेट गए, खैर उठ भी गए बड़ी जल्दी। ओके इस बार नेक ब्रेकर, रनिंग नेक ब्रेकर, और अब शायद स्पीयर की तैयारी हो सकती है। एक स्पीयर लगाओ भाई रोमन प्लीज, एक स्पीयर लगने जा रहा भाई स्पीयर। रॉक प्लीज रिवर्स मत करना, मुझे देखना है तुमको स्पीयर लगते हुए। हाउलिंग टाटा बाय बाय स्पीयर, चलो रेफरी काउंट शुरू करो 1। अबे ये क्या है, व्हाट द हेल, ये कौन आ रहा है अभी, ये कौन बनमानुष है, इसका नाम तो बताओ कोई, जेक द स्नेक रॉबर्ट्स। अबे भाई ये कौन से एरा से कहां से आ गया कूद के, ये रॉक को बचाने आया है क्या, ये क्या कर रहा है, फिनिशर लगा रहा है रोमन को, फिनिशर रॉक ने, भाई रॉक को तो पता ही नहीं हुआ क्या यहां पे। ओ भाई जेक द स्नेक रॉबर्ट निकल गया फिनिशर लगा के, काउंट भी शुरू हो गया रेफरी, ये कौन सा मैच हो रहा है अबे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, 7 काउंट हो गया है एंड इट्स 8। अबे रोमन उठ जा, क्या कर रहा है, 95 ओवरऑल की बेइज्जती हो जाएगी, 9 10 मिरेकल। भाई ये तो मैंने नहीं सोचा था, ये क्या हो गया, 80 ओवरऑल द रॉक ने आखिरकार चैंपियनशिप अपने नाम कर ली, मगर जैसे मैंने सोची थी वैसे नहीं, ये तो भाई अतरंगी काम हो गया। सो आई होप अमीस आपको पसंद आया होगा गेम प्ले, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे बेहतरीन से गेम प्ले में, तब तक के लिए एंजॉय द रॉयल रंबल, गुड बाय अमीस एंड कीप स्माइलिंग।